एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ जहाँ पे पेश करे जाते हैं झाड़ू और नमक। हिंदुस्तान में कई ऐसे अल्लाह के वलियों की दरगाह शरीफ मौजूद है जहाँ पे फूल और चादर पेश करी जाती है, लेकिन इस दरगाह शरीफ के अंदर चढ़ाए जाते हैं झाड़ू और नमक। दोस्तों क्यों चढ़ाए जाते हैं पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बताया जाता है कि यहाँ से दुआ करके नमक भी दिया जाता है, वो बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियाँ भी यहाँ से दूर होती है। झाड़ू नमक तो ये इसलिए चढ़ता है जिसके जिस्म में पथरी, शुगर, बीमारी, एलर्जी, चरम रोग हो जाता है, आँख में तकलीफ़ हो जाती है और गठिया बाई हो जाती है, बवासीर की शिकायत हो जाती है, तो ये उस बीमारी के लिए सरकार में झाड़ू नमक चढ़ाते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीराने कलियर शरीफ दरगाह, उत्तराखंड रुड़की से 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है कलियर शरीफ, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको लेकर के जाने वाला हूँ एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ जहाँ पे चढ़ाए जाते हैं झाड़ू और नमक। तो दोस्तों झाड़ू और नमक क्यों चढ़ाए जाते हैं पूरी जानकारी अभी हम जो वहाँ के खादिम साहब हैं उनसे हम लेने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आपने कई दरगाह शरीफ देखी होगी जहाँ पे फूल और चादर चढ़ती है, लेकिन दोस्तों इस दरगाह शरीफ में फूल और चादर भी चढ़ती है और साथ ही साथ नमक और झाड़ू भी चढ़ाए जाते हैं। नमक और झाड़ू चढ़ाने का एक अलग कारण है, वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए बैक कैमरा चलते और आपको यह एक रहस्यमय दरगाह शरीफ है इसके बारे में आगे हम बताते हैं। दोस्तों दरगाह शरीफ के आसपास में आपको हर जगह ऐसे ही दुकानों में आपको यहाँ पे झाड़ू और नमक नज़र आएंगे। यहाँ पे फूल और चादर के साथ साथ में यहाँ पे झाड़ू और नमक भी रखे जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसे अनोखी दरगाह शरीफ है जहाँ पे फूल और चादर के साथ साथ यहाँ पे झाड़ू और नमक भी पेश होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मेहमान आते तो यहाँ पर झाड़ू और नमक ज़रूर पेश करते। बताया जाता है कि झाड़ू और नमक पेश करने से उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पर पूरा नज़ारा दिखाते हुए अंदर ले करके जाएंगे। आप सामने देख सकते हो ये अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ है। दरगाह शरीफ को किस नाम से जाना जाता है पूरी जानकारी अभी हम यहाँ के जो खादिम साहब हैं उन्होंने से लेने वाले हैं। आप देख सकते हो दुकानों में यहाँ पे बड़े छोटे हर प्रकार के यहाँ पे झाड़ू रखे गए हैं। और दोस्तों नमक की भी काफ़ी ज़्यादा करामतें बताई जाती है। बताया जाता है दरबार से अंदर से दुआ करके नमक दिया जाता है और उसमें इतनी करामत हो जाती है कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी पथरी हो या चरम रोग जैसे स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारी चीज़ें दूर होती है। और बताया जाता है जो बड़े से बड़ा जो कैंसर होता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो पूरी जानकारी हम यहाँ के जो खादिम साहब हैं उन्होंने से हम लेने वाले हैं। दोस्तों दरबार के अंदर आते ही आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून महसूस होगा। बताया जाता है कि दरबार में यहाँ पे मन्नत और मुरादों के धागों के साथ में यहाँ पे मन्नत और मुरादों की चिट्ठियाँ, मन्नत और मुरादों की अर्जियाँ भी यहाँ पे लिख करके लगाई जाती है। तो दोस्तों पूरा नज़ारा दिखाते हुए अभी आपको जो अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ है मजार शरीफ वहाँ पर अंदर ले करके जाते हो और आपको मजार शरीफ का दीदार कराते हैं, ज़ियारत कराते हो। यहाँ पर झाड़ू और नमक क्यों पेश करा जाता है और यहाँ की क्या क्या करामत है वो पूरी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर मन्नत और मुरादों के धागों के साथ में यहाँ पर मन्नत और मुरादों की यहाँ पर अर्जियाँ, यहाँ पर चिट्ठियाँ भी लगाई जाती है। बताया जाता है जो भी आपकी परेशानी है वो अगर एक कागज़ में लिख करके आप यहाँ पर लगा देते हो तो यहाँ पर सरकार के पास में आपकी अर्जी जल्दी से जल्दी कबूल होती है। तो दोस्तों दरगाह शरीफ को झाड़ू नमक वाले बाबा के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप कलियर शरीफ दरगाह आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आना, यहाँ पर आने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हर जगह यहाँ पर नमक वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी दरबार में अंदर नमक वगैरह यहाँ पर पेश करा गया है तो यहाँ पर देखिए दुआ करके यहाँ पर नमक रखा गया है, वो यही नमक आपको दिया जाएगा दुआ करके। और आप यहाँ देखिए किस तरीके का ये पूरा नज़ारा, यहाँ पर कई ज़्यादा यहाँ पर नमक पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर नमक और झाड़ू दिया जा रहा है। अभी आपको अंदर लेकर के चलते हैं मजार शरीफ के आसपास किस तरीके से झाड़ू और नमक पेश करा जाता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों जैसे कि दरबार में आपको हर जगह इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा, मन्नत और मुरादों के धागे, मन्नत और मुरादों के यहाँ पर आपको चिट्ठी अर्जियाँ यहाँ पर लगी हुई नज़र आएगी। दोस्तों दरबार में बताया जाता है कि यहाँ पे मन्नत और मुरादों के यहाँ पे चिराग भी रोशन करे जाते हैं। तो आपको चिराग का यहाँ पे दीदार कराते हैं, किस प्रकार का चिराग का नज़ारा आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे चिराग भी रोशन करे जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगरबत्ती का स्टैंड भी हो, यहाँ पर आप अपने नाम से चिराग भी रोशन करवा सकते हो। यहाँ पर आप देखिए मन्नत और मुरादों के यहाँ पर चिराग किस तरीके से रोशन हुआ हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ देखिए अगरबत्ती का यहाँ पे स्टैंड, अगर आप अगरबत्ती वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे आपको दरबार में अगरबत्ती लगाने का स्टैंड भी यहाँ पे मिलेगा। और सामने आप देख सकते हो गंगा नदी है। तो चलिए दोस्तों दरबार में अंदर चलते हैं और किस तरीके से यहाँ पे फूल और चादर के साथ साथ नमक और झाड़ू भी पेश करे जाते हैं। यहाँ के जो खादिम साहब हैं उन्होंने से हम यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और आप यहाँ पर आसानी से कैसे आओगे ये भी खादिम साहब की जवानी हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूल और चादर यहाँ पर दरबार में पेश करी गई है। और फूल और चादर के साथ में यहाँ पर आप देखिए फूल की टोकरी के साथ में यहाँ पर झाड़ू और नमक भी आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है अगर आप YouTube चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। इससे ये होगा कि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। आप दोस्तों दरबार में देखें, यहाँ पर फूल और चादर के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से एक टोकरी के अंदर यहाँ पर झाड़ू और नमक भी रखा गया। और दोस्तों क्यों रखा जाता है ये पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। लाज रखना, सरकार इनकी झोली भरना, तंदुरुस्ती दा करवाना, सरकार बच्चे का नेक नसीब अच्छा लगाना, पढ़े लिखे दुआदा करवाना, तमाम बीमारी तमाम परेशानी को दूर करना, सरकार बच्चों की जिंदगी में तमाम खुशियां खुशियां भर देना। लाज रखना, सरकार इनके कारोबार में, घर में, बिजनेस में, मकान में, दुकान में, कैर पैदा करवाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आप अपना नाम बताइए और आप किस खिदमत को अंजाम दे रहे हो बताइए। जी मेरा नाम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी है, जो हम प्रॉपर कलिया शरीफ के सरजमी के पासिंदे हैं। तो यहाँ पे हमारे बड़े दादा, पड़दादा, सगड़दादा यानी कि 17वीं पीढ़ी चल रही है कलिया शरीफ में। और ये हज़रत सैयद मर्दान लकब पिरगैब अली शाह, जिनकी बारगाह में आप खड़े हैं, जिनकी बारगाह में आप इतनी दूर से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार करता हूं। और जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं कि आपको सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें और आपकी आने वाली वीडियो को और आगे देखें। हजरत आप ये बताइए कि इस बारगाह में झाड़ू, नमक जी और ये जो तरह तरह की चीज़ें क्या क्या चढ़ाई जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए कभी पहले एक ज़माना था कि पहले लोगों बागों पर खाने में बड़ी रोज़गार नहीं, कारोबार नहीं थे, तो कोई कुछ लागे चढ़ाता था, कोई कुछ लागे चढ़ाता कलिया शरीफ में। उस टाइम तो कोई नज़र नियाज जानता नहीं था है क्या, कोई रोटी की चूरी बनाता था, कोई मावे के पेड़े बनाता था, कोई कुछ बनाता था। अब जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, आगे चल रही है, तो ऐसे ऐसे लोग बाग अपनी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बल्कि झाड़ू नमक तो ये इसलिए चढ़ता है जिसके जिस्म में पथरी, शुगर, बीमारी, एलर्जी, चर्म रोग हो जाता है, आँख में तकलीफ़ हो जाती है और गठिया बाई हो जाती है, बवासीर की शिकायत हो जाती है, तो ये उस बीमारी के लिए सरकार में झाड़ू नमक चढ़ाते हैं। बाकी इंसान की मर्जी है, वो कुछ भी चढ़ा सकता है, अपनी चादर, फूल, नज़र नियाज, जो भी, क्योंकि इंसान, हर एक इंसान एक सा नहीं होता, सबकी अलग अलग सोच होती है। किसी को अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो बुज़ुर्गों के नाम का बहुत कुछ लुटाता है। नहीं, हिंदुस्तान की एक ये पहली बारगाह देख रहे हैं जी कि जहाँ पर वलियों के मज़ार पर, बुज़ुर्गों के मज़ार पर झाड़ू और नमक पेश किए जा रहे हैं। बस देखो, जिसको अल्लाह ने जो रुतबा दिया है, जिसका जो जिसकी बारगाह का जो तबरुक है वही चढ़ता है। लेकिन यह है कि बस ये बीमारी के लिए होता है, खुशखुशी बीमारी के लिए, जिसको कोई तकलीफ होती है। बाकी आप घर से कुछ भी ला सकते हैं, चादर, फूल, इतर वगैरह, जो भी आपके अच्छा लगे वो भी ला के पेश कर सकते हैं। हुजूर ये नहीं कहते कि मुझे यही चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो खाली हाथ भी आ जाता है बंदा, दरूद फातिहा पड़ता है। नमक कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए नमक को ना पहले सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद इसको पीसिएगा, पीसने के बाद जो बाजार का नमक है उसमें मिलाइएगा, उसमें मिलाने के बाद फिर आप जब खाना खाने बैठते हैं तो एक कटोरी में लीजिए और बिस्मिल्लाह करके चुटकी से और उसमें डालिए, चाहे किसी भी चीज़ में डाले खाए, सब्जी हो और तुम्हारा जूस वगैरह हो, नाश्ता वगैरह, हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह जो दिल से अकीदे से खाएगा उसके जिस्म की जो भी रूहानी जिस्मानी परेशानी वो ठीक हो जाएगी। खाली बीमारी नहीं, जिसके जिस्म में अगर कोई असराती कैफियत है, कोई और भी बीमारी है, कोई जादू टोना असेब है, वो भी ख़त्म होता है, क्योंकि बुज़ुर्गों की बारगाह का ये तबरुक ही एक ऐसा है। तो क्या यहाँ पर भूत प्रेत जिन जी 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 हर चीज़, हर चीज़, क्योंकि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये वो सरजमी है कि जिनकी बारगाह में अगर दुनिया में ना इलाज मिला ना, तो साबिर की बारगाह में हर किसी का इलाज होगा, पथरी का भी होगा, बीमारी का भी होगा, जादू का भी होगा, असरात का भी होगा, और ये करना कराना सब चीज़ का इलाज है। क्योंकि इंसान जब थक जाता है ना, अपनी हर चीज़ उम्मीद खो बैठा था, तो एक कलियर की सरजमी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से जिनकी बारगाह में ठिकाना मिलता है, जिनका दुनिया लंगर भी खाती है और यहाँ का भी तबरुकात खाती है, मतलब नमक के दौर पर, तो इसलिए बहुत फेवरेट चीज़ है ये। इस दरगाह पर शरीफ आप पर आने के लिए किस तरह जायरीन आ सकते हैं? देखिए अगर आपको आना है तो कलिया शरीफ जब आए तो पहले रुड़की स्टेशन पर उतरे, वहाँ से ऑटो करे, ऑटो करने के बाद उसको बोलिए कि कलिया शरीफ जाना है, तो कलियर यानी कि रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर कलिया शरीफ है। जैसे आप कलिया शरीफ अड्डे पर उतरेंगे, अड्डे पर उतरने के बाद चाहे तो आप रूम ले लीजिए, चाहे आप रूम नहीं ले सकते अगर आपको जल्दी है, ज़्यादा ही कि बस ज़्यारत करनी है, निकलना है, तो आप रिक्शा कीजिए, रिक्शे वालों को बोलिए हमें 5 दरगाह कराए, यानी कि पहला सलाम इमाम साहब, किलकिली साहब, पिरगैब साहब और फिर अब्दाल साहब और साबिर साहब, इन 5 दरगाह की हाजिरी देकर आप घर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बचपन से यहाँ पर हैं, आप जी जी पीढ़ी हैं जी, तो आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा या आपने अपने आँखों से कोई ऐसा वाकया देखा जी होगा जी, जो आज तक ना भूल सके, वैसा कोई वाकया बताइए। देखिए जिस टाइम ये नहर खुद रही थी
सिंचाई विभाग वाले आए थे, खुद रही थी, तो वो हमारे बड़ों के पास आए, बोले जी यहाँ के जिम्मेदार कौन है? तो हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने कहा जी हम सब जिम्मेदार हैं। कहना जी यहाँ नहर खुदेगी और ये पास हो गई है और आप जो है इस दरगाह को उठा लीजिए, अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर मैं कल कुछ ला के जैसी वगैरह ला के मैं उठवा दूँगा। जैसे उसने ऐसे कहा और यहाँ से चला गया घर, तो ये मानिएगा, यकीन मानिएगा, वो पूरी रात अफसर सो नहीं पाया। जो सरकार की मुवक्किल है ना, उन्होंने इस तरह से उसको पूरी रात इस तरह फुटबॉल बना के खेला कि वो पूरी रात सोया नहीं। और सुबह जब अजान का वक्त हुआ तो वो उठा और कहने लगा ड्राइवर जल्दी उठो और मुझे कहीं जाना है, और पूरी रात हो गई, मैं उनसे माफ़ी तलाफी करता हूँ जिनकी बारगाह में मैं कुछ कह के आया हूँ। तो उसने जो था अपनी मिसेज को बस कहा कि कहने जी मेरे कपड़े दो, मुझे कहीं जाना है। तो बड़ा घबरा हुआ था, सीधा गाड़ी ले कर सुबह यहाँ पहुँच गया हमारे बड़ों से पहले ही। तो बड़े कहने लगे भाई ये अफसर तो फिर आ गया, फिर परेशान करे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी ऐसा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो गलती हो गई मैं अपना जो भी मैंने कहा बस उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, पूरी रात नहीं सो पाया। तो आपसे यह है कि आप मेरी माफ़ी तलाफी करवाएं और सरकार से अर्ज करें, मैं ये अपना रास्ता ही बदल दूंगा। तो उसने ये रास्ता छोड़ के नहर थोड़ा परे ले ली थी, ये नहर है वो जो चलती है। और मतलब ये है जी कि बाबा की ये जिंदा करामात है जी, जी कि बाबा की करामात की वजह से सरकार को नहर यहाँ से हटाना पड़ा, बस ये सिंचाई बाबा को परली तरफ लेना पड़ा, पहले बराबर से ही जाता, पहले यहाँ से जा रही थी उसको साइड में करना बस, क्योंकि सरकार की इनकी जिंदा करामात है। और भी बहुत चीज़ें, क्योंकि ये भी नहर खुदी थी, ये अंग्रेजों के वक्त में खुदी थी इस तरफ। अच्छा। तो वो भी नहीं चल पाई, जब उन्होंने पानी छोड़ा तो पानी उल्टा ही वापस चला गया था, तो फिर अंग्रेज जो थे, क्योंकि उस टाइम तो उन्हीं की हुकूमत थी, तो फिर उन्होंने बड़ों से माफ़ी तलाफी की, कहा कि सरकार आप जो है ये नहर को जाने की इजाज़त दे पानी को, और हम अपना प्रोजेक्ट ऐसा ही छोड़ देंगे। तो ये नहर आज भी ऐसी ही पड़ी है, इस तरफ है, जब आप साबिर पाक की तरफ जाएंगे दिखाना, ठीक है। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को यह है कि देखो दुनिया जो है आजकल क्या है, डॉक्टरों के चक्करों में ज़्यादा रहती है, लेकिन दवाई करना एक डॉक्टरों को दिखाना सुन्नत तरीका है, लेकिन जो बुज़ुर्गों की बारगाह में आएगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर फैज़ फरमाएगा, उसके जिस्म में चाहे तकलीफ़ हो, बीमारी हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, उसमें हर चीज़ में निजात मिलेगी। तो बस ये पैगाम है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसको कोई भी तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह वो कलिया शरीफ में आए, रास्ता कायम करें, इनकी बारगाह में हाजिरी दें, अल्लाह ताला इनको शिफा और कामयाबी अता फरमाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अल्लाह हाफिज़।